सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग केप प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है कैसे आप काइनमास्टर के अंदर अपनी वीडियो का बैकग्राउंड डार्क कर सकते हो, यानी कि काइनमास्टर के अंदर कैसे आप अपनी वीडियो को डार्क कलर ग्रेड कर सकते हो। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक और स्टार्ट। ओके, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना कोई भी एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेता हूँ 16:9। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, अपनी फोल्डर से अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से आप अपनी फोल्डर को चूज करेंगे एंड देन आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को चूज कर लेना है, अपनी वीडियो को ढूंढ लेना है कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हो नीचे टाइमलाइन पर मैंने अपनी वीडियो को ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियो को ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको राइट साइड के कॉर्नर पर टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा एक रॉ फाइल है, ठीक है, जो कि अनएडिटेड है टोटली, इस पर कोई भी एडिट नहीं किया गया है। तो ये मैंने सेचुरेशन और ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज किया, यानी यूज किया। अभी हमें क्या करना है, सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर नाम का, सिंपली आप गेट मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है कलर पर, आप देख सकते हो कलर दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर पे। कलर पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट्स मिलेगा जिसका नाम होगा कलर आइसोलेशन, आप देख सकते हो। सिंपली कलर आइसोलेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ही अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी दिखाए गए हैं कि लाइक आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक एंड राइट साइड की कॉर्नर पर आपको क्रॉस आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके सिंपली आ जाएंगे बैक। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल पर आपको ढूंढ लेना है कलर आइसोलेशन इफेक्ट जो आपने डाउनलोड किया वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो ये दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, कलर आइसोलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली कर देंगे डन एंड देन अभी आपको क्या करना है, कलर आइसोलेशन जो इफेक्ट्स है उसको आपको अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है, वीडियो के साथ इसका लेयर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पूरी स्क्रीन पर फिल कर लेना है कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, लेकिन हमें अपनी मॉडल को छोड़कर बाकी जितनी भी, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको ट्री वगैरह दिखाई दे रहा है, उसको हमें डार्क करना है, ठीक है, और मॉडल का जो स्किन है जैसा है वैसा ही रखना है। तो इसके लिए हमें कलर आइसोलेशन इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी सभी कलर चूज कर सकते हो, लेकिन ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप चूज़ करेंगे। तो ग्रीन कलर को चूज़ कर लिया, उसके बाद सिंपली कर देना है डन। उसके बाद इंटेंसिटी का जो वैल्यू है आपको इंक्रीज कर लेना है, अराउंड 80 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिवर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है पूरा फुल कर लीजिएगा, दैट्स इट। अभी आप देख सकते हो मॉडल को छोड़कर बाकी जितने भी बैकग्राउंड थे जैसे कि ट्री वगैरह सब डार्क हो चुका है। आप इसको ओपेसिटी और भी ज़्यादा इसे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसका ओपेसिटी कर लिया ना 85। ओके, 85 करने के बाद सिंपली कर देना है डन। अगर आपको लगता है मॉडल की जो चेहरा है वहाँ पर भी आ रहा है ब्लैक डार्क इफेक्ट, तो आप इसको ओपेसिटी थोड़ा और कम कर लेंगे, 80% कर लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद कर देंगे डन, दैट्स इट। अभी अगर मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो आप देख सकते मॉडल का पीछे का जो बैकग्राउंड वो डार्क हो चुका है, और यहाँ पर मैं आपको दोनों मॉडल दिखाया तो आप देख सकते हो ये जो मॉडल है इसका भी पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज करेंगे 1080p, फ्रेम रेट आप यहाँ से चूज करेंगे 30 FPS। नीचे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से काइनमास्टर के अंदर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड डार्क कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो,
साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।